आगे बढ़ेंगे। जयपुर के करतारपुरा से खबर है, सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल। करतारपुरा स्कूल की कक्षा 4 का वीडियो वायरल। वीडियो में टीचर कक्षा में ही कर रही है आराम। कक्षा में बच्चे दबा रहे हैं टीचर के पैर। पैर दबाने के वायरल वीडियो से शिक्षकों में नाराजगी है। वायरल वीडियो में एक अध्यापिका भी चेयर पर बैठी दिख रही है, दूसरी टीचर लेट कर बच्चों से पैर दबा रही। हालांकि वीडियो कब का है यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। वायरल वीडियो की स्कूल प्रशासन जांच करवा रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। और चलिए, सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, जहां एक तरफ कई वीडियोज आते हैं शिक्षा के मंदिर से, लेकिन ये वीडियो चौंका रहा है क्योंकि एक टीचर जिसे शिक्षा देनी चाहिए थी वो बच्चों से पैर दबा रही है। अब हकीकत इस वीडियो की क्या है, क्या सच्चाई अब तक मालूम पड़ती है डिंपल वीडियो को देखकर? बिल्कुल शिखा, जिस तरीके का ये वीडियो सामने आया है स्कूल का, सरकारी स्कूल का, और वाकई सरकारी स्कूलों की एक तरह से छवि पर भी बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कैसे शिक्षिका चेयर पर बैठी है और जो बच्चे वहां पर पढ़ाई के लिए आए हैं आराम फरमा रही है शिक्षिका एक, और उनसे अपने पैर दबवा रही है, कमर दबवा रही है, और उन्हीं के पास एक और शिक्षिका है जो चेयर पर बैठी है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले भी ऐसी ही एक खबर जब सामने आई थी कि बच्चों से स्कूल का काम करवाया जाता है, ना कि उनको पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है। सरकारी स्कूलों में बच्चे चाहते तो हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तब, क्योंकि सरकारी स्कूलों पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है सरकार जितना ज्यादा प्राइवेट स्कूलों पे, क्योंकि सरकारी स्कूलें राम भरोसे ही चलते हैं। सरकारी स्कूलें जितने भी जो सरकारी शिक्षक हैं वो ऐसे ही काम बच्चों से करवाते हैं, और यही छवि है। लेकिन पिछले दिनों में सरकारी स्कूलों की छवि थोड़ी सुधरी थी, लेकिन जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, और ये बता दें कि जैसे ही जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है उनके संज्ञान में आते ही शिक्षिका को तुरंत एपीओ कर दिया गया है एक्शन लेते हुए। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि ऐसी चीजें बाहर आना, ऐसे वीडियो बाहर आना, ये दर्शाते हैं कि वाकई सरकारी स्कूलों से जो अभिभावक है उनका मोहभंग क्यों हो रहा है, क्यों उनके नामांकन घट रहे हैं, क्यों ड्रॉप आउट हो रहे हैं। क्या उसी का एक कारण ये भी माना जाए कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई को इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लिखाया जाता है। हालांकि जो प्राइवेट स्कूल है उनमें महंगी फीस जरूर जुटाई जाती है, महंगी फीस जरूर ली जाती है, वसूली जाती है, लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, अच्छा काम कराया जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूलों की जो छवि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की वीडियो, चाहे रखरखाव की हो, मरम्मत की हो, और वहां से जो शिक्षक है उनके द्वारा बरती हुई जो लापरवाही है, ये इस बात का मैसेज जरूर दे रही है कि अगर इसको जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया, सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में सरकारी स्कूलों से पूरी तरह से एक ये कह सकते हैं डिटैच हो जाएंगे अभिभावकों का जो, और देखिए जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है वो किस और रुक करेंगे। अगर प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं तो उनको मोटी महंगी जो फीस है उसका भुगतान करना पड़ता है, और सरकारी स्कूलों की तरफ जाते हैं तो उनको पता है कि जो बच्चा हमारा जा रहा है पढ़ने के लिए स्कूल में, उसको पढ़ाई लिखाई के इतर और चीजें करवाई जा रही है, और ये चीजें करवाई जा रही है, जो शिक्षक है जिनको लगाया गया है वहां पर, जिनको पढ़ाने के लिए भेजा गया है, वो वहां पर आराम फरमा रहे हैं और उन्हीं बच्चों से अपने पैर दबा रहे हैं। तो देखिए कैसा माहौल है, ऐसे में इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए एपीओ कर दिया गया है। लेकिन सरकारी स्कूलों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। घोषणाएं बहुत होती है, बातें बहुत आती है कि इनको ध्यान किया जाएगा, प्रोफाइल बनाई जाएगी, लेकिन वाकई जमीनी स्तर पर जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो एक खराब छवि जरूर नजर आती है सरकारी स्कूलों की, कि इस पर क्या तुरंत कोई एक्शन लेते हुए किसी कोई औचक निरीक्षण होना चाहिए, क्या वाकई पढ़ाई होती है, या फिर सिर्फ बच्चों को झूठे वादे देकर सरकारी स्कूलों में, क्योंकि कहा जाता है सरकार की तरफ से भी कई बार ऐसा आता है कि घोषणाएं हो गई, इतनी सरकारी स्कूलें खुल गई, बड़ी बड़ी सरकारी स्कूलें खोल दी गई, भवन बना दिए गए, लेकिन अगर शिक्षक पढ़ाएंगे ही नहीं, बच्चों को वहां पर पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो आखिर में कैसी वो स्कूल है, कैसी वो पढ़ाई है। बिल्कुल डिंपल, आप सही कह रही हैं, और सरकारी स्कूलों में घटती बच्चों की संख्या को लेकर शिक्षा विभाग भी चिंतित दिखाई देता है, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियो फिर छवि धूमिल करने का कार्य करते हैं। डिंपल, एक और जानकारी दीजिएगा आप, अभिभावकों का क्या कहना है इस वीडियो के सामने आने के बाद, क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया आई, क्या स्कूल में पहले भी कोई शिक्षक इस तरह की हरकत करते पाए गए, बच्चों से अनैतिक कार्य करवाए गए? बिल्कुल, जाहिर तौर पर शिखा जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं, ये कह सकते हैं कि राजस्थान में भी सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा नामांकन घटने की जो बात आ रही थी सामने, सरकारी स्कूलों के नामांकन घटे हैं, उसका कारण एक ये भी है कि चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो,
बच्चों को एनजीओ में पढ़ाया जाए, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजा जा रहा है तो क्या वाकई उनको पढ़ाया भी जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है, और उनसे ऐसे ही काम करवाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने जो एक तरीके से रियलिटी चेक किया था स्कूलों में, वहाँ पे भी देखा था जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं सुबह 7 बजे से, उनसे पेड़ों में पानी डलवाया जा रहा है, उनसे बाकी के काम करवाए जा रहे हैं, झाड़ू लगवाई जा रही है, लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है। शिक्षक वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी थी, उसके बावजूद भी उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि एक शिक्षक का काम होता है जब बच्चे वहाँ पर हैं तो उनको पढ़ाया जाए, जब ऐसे काम हो रहे हैं तो ये वाकई बहुत ही अनैतिक, और ये व्यवहार ये दर्शाता भी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही दिनों दिन ऐसे ही वीडियो सामने आते रहे तो वाकई अभिभावकों का मोह भंग तो होगा ही, लेकिन सरकारी स्कूलों के ड्रॉपआउट्स को गिरने से कोई नहीं रोक पाएगा। शिका बिल्कुल, विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, ये समाज को जोड़ने और मार्गदर्शन का कार्य करता है, और ऐसी तस्वीरें वहां से आना चौंकाती है, सवाल खड़े करती है। शुक्रिया डिम्पल आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।